मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पिंपरी, चिंचवड, पुणे शहर और ग्रामीण, अहमदनगर और गोवा राज्यों से बुलेट मोटरसाइकिल चोरी कर फर्जी कागजात बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश नवी मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया है। इस गिरोह के पास से पुलिस ने 44 महंगे बुलेट मोटरसाइकिल और एक मारुति सुजुकी डिजायर कार, कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए का सामान जब्त कर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पिंपरी, चिंचवड, पुणे शहर और ग्रामीण, अहमदनगर और गोवा राज्यों में दर्ज 64 मामलों का खुलासा किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पिंपरी, चिंचवड, पुणे शहर और ग्रामीण, अहमदनगर और गोवा राज्यों में इस गिरोह ने सितंबर 2020 से 17 जनवरी तक दहशत फैलाया था। इस गिरोह के लोग नई गाड़ी रोड पर पार्क करते ही कुछ मिनटों में गाड़ी उड़ा ले जाते थे, जिसके कारण नागरिकों में गाड़ी पार्किंग करने को लेकर डर बना रहता था। नवी मुंबई में एक के बाद एक लगातार गाड़ियां चोरी हो रही थी, जिसके कारण पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह और क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर बीजी शेखर पाटिल ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस गिरोह को धर दबोच कर खुलासा करने का आदेश दिया था। वरिष्ठों द्वारा दी गई आदेश के अनुसार वरिष्ठों के मार्गदर्शन में नवी मुंबई के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील शिंदे द्वारा दी गई आदेश के अनुसार सह पुलिस निरीक्षक रुपेश नायक व पुलिस नायक नीलेश किंद्रे ने नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय की हद में घटे बुलेट मोटरसाइकिल चोरी के सभी घटना स्थलों पर जाकर प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों का मार्ग लिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच के वरिष्ठों द्वारा समय समय पर की गई मार्गदर्शन के अनुसार वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील शिंदे खुद और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विश्लेषण कर इस मामले के आरोपियों का मोबाइल नंबर पता किया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील शिंदे ने 4 पुलिस जांच टीम बनाकर खुद इस कार्रवाई में शामिल होकर जाल बिछाकर सोहेल इम्तियाज शेख और सौरभ मिलिंद करजे, इन दो आरोपियों को वाशी सेक्टर 17 से तो अमोल शिवाजी होबले को सावली बार MIDC से गिरफ्तार किया। इस गिरोह के पास से पुलिस ने 44 महंगे बुलेट मोटरसाइकिल और एक मारुति सुजुकी डिजायर कार, कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए का सामान जब्त कर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पिंपरी, चिंचवड़, पुणे शहर और ग्रामीण, अहमदनगर और गोवा राज्यों में दर्ज 64 मामलों का खुलासा किया है। 44 बुलेट मोटरसाइकिल है और एक कार है, ये सब हमारे क्राइम ब्रांच के जो टीम है, इंस्पेक्टर सुनील शिंदे हमारे क्राइम यूनिट 1 के इंचार्ज हैं और उनके जो टीम है पूरी, उसमें API कदम है, API नाइक हैं, API राख हैं और भी अधिकारी कर्मचारी हैं। ये एडिशनल CP क्राइम शेखर साहब हैं, DCP प्रवीण पाटिल, SCP चौहान, सब लोगों के मार्गदर्शन में इसमें मेहनत करके पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए 3 इसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो 3 चोर हैं, और अभी तक उसमें ये 44 जो आपके सामने इनफील्ड बुलेट्स हैं ये रिकवरी हुई है और एक कार उसमें रिकवरी हुई है। इसमें जो 3 अपराधी हैं वो सोहेल इम्तियाज शेख है, सौरभ मिलिंद करंजे है और एक जो सरगना है अमोल शिवाजी ढोबड़े, तो इनको बड़े मतलब अच्छे इन्वेस्टिगेशन स्किल से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल करके, उसको एनालाइज करके, इसके ऊपर नज़र रख करके इन्होंने बड़ा प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया और ये जितनी भी हमारी मोटरसाइकिलें सामने हैं, कार है, टोटल करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इन्होंने इसको रिकवरी की है और इसमें कुछ लोग शामिल होंगे और भी कुछ गाड़ियाँ हमको रिकवरी होना बाकी है। इसमें टोटल अभी तक 64 गुना जो है 64 ऑफेंसेस इसमें डिटेक्ट हुआ है और हमारी इसमें जो सामने बुलेट्स हैं 12 हमारे नई मुंबई पुलिस के जो केसेज हैं उसकी हैं, 14 जो है वो थाने सिटी के केसेज हैं उसकी हैं और पिंपरी चिंचवड़ के जो केसेज हैं उसके 12 हैं, मुंबई सिटी के 3 हैं, पूना ग्रामीण, पूना शहर, अहमदनगर के 1-1 हैं और बाकी 19 केसेज जो हैं वो उन्होंने किया हुआ है, वो भी हम उसके पीछे लगे हुए हैं, उन्होंने कबूली दी है इसके बारे में कि उन्होंने 19 केसेज और भी किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है और इसमें जो
और जो तरीका उन्होंने यूज़ किया है आपके सामने, ये इग्निशन का जो सिस्टम है बुलेट का, वो बाहर से तार होता है, तार कट करके वो यहाँ पे उसको ज्वाइन करके फिर उसको इग्नाइट करके तुरंत बहुत ही कम समय में गाड़ी चुरा करके भाग जाते हैं। और हम इसको थोड़ा इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हम ये जो कंपनी है उनको भी हम लिखने वाले हैं, शायद उसमें कुछ मदद मिले उनको, कुछ अगर थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि जो वायर है वो भी वायर भी अंदर से हो। मुझे पता नहीं टेक्नोलॉजिकली कितना संभव है, लेकिन हम उनको कोशिश करेंगे कि, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से चोरी ये लोग कर रहे थे।